जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि कब की रहेगी, इसकी सही पूजा विधि क्या है, शिव की आराधना हम किस प्रकार करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त और आरती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार है। इस साल 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शिव के भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, इसके महत्व और महाशिवरात्रि से संबंधित जो भी जानकारी है, जैसे कि पूजा की सामग्री, आपको क्या क्या चाहिएगी, बेल पत्र का क्यों महत्व है, इसको किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, शिव पूजा की विधि क्या रहेगी और शिवरात्रि के दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा रात भर में 1 या 4 बार की जा सकती है। यदि आप पूजा 1 बार में कर रहे हैं तो चंदन के लेप, दही, घी, शहद, चीनी या मिश्री और गुलाब जल से आप ये पूजा कर सकते हैं। और यदि 4 बार में आप पूजा कर रहे हैं तो पहले प्रहर में जल से अभिषेक करना चाहिए, दूसरे प्रहर में अभिषेक करने के लिए दही का आपको उपयोग करना है और तीसरे और चौथे प्रहर में क्रमशः घी और शहद का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा इस विधि से आप अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत फलदायी रहती है। और दोस्तों, आइए अब शिव पूजा की सामग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आवश्यक चीजें हैं वो आपके पूजन में जरूर से जरूर शामिल होनी चाहिए। और पूजा करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आपको दीप और कपूर जलानी चाहिए। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करते जाना है। मंत्र का जाप आप मानसिक भी कर सकते हैं और वाणी के द्वारा भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा और मन ही मन जो भी आपकी मनोकामना है उसको भगवान के सामने जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। और दोस्तों, शिव को बिल्व पत्र और फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति अगर देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की भी आपको आहुति देनी चाहिए और इसके लिए आप सूखे नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सूखे नारियल की आहुति दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप सही तरीके से महाशिवरात्रि की ये पूजा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। और अब बात कर लेते हैं शिव पूजा की सामग्री की, जो कि आपके पूजन में जरूर शामिल होनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है, शिवरात्रि के दिन शिव जी का पंचामृत से आपको अभिषेक करना है, चंदन का तिलक लगाना है, बेल पत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमल गट्टे, ऋतु फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और वस्त्र आदि आपको अपने पूजन सामग्री में सम्मिलित करना चाहिए और भगवान के अर्पण करना चाहिए। शिव जी के सम्मुख बैठकर आपको दीप जलाना चाहिए और केसर युक्त खीर का भोग भगवान को अवश्य ही लगवाना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप शिव शंकर महादेव की, माता गौरी के साथ पूजा करते हैं तो दोस्तों, आपके जो भी रुके हुए काम है, अटके हुए काम है, वो सब आपके निर्विघ्न आप पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये शास्त्र अनुसार और बड़ा ही प्रभावी तरीका हमने पूजा का आपको बताया है। महाशिवरात्रि का महत्व क्यों इतना कहा जाता है ये भी हम आपको बताते हैं और साथ ही कमल, शंख, पुष्प और बेल पत्र का क्या खास विशेष महत्व होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि फरवरी मार्च की जो शिवरात्रि है,
एक कैलेंडर वर्ष में होने वाली 12 शिवरात्रियों में सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण और विशेष मानी जाती है। ऐसा साल में एक ही बार होता है। यह धार्मिक आयोजन फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है और भगवान भोलेनाथ के भक्त इस दिन को भक्ति और आनंद के साथ मनाते हैं। भक्त इस दिन अपने आराध्य भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं। मंदिरों में जाकर उनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, तो जिससे जैसा भी बने महाशिवरात्रि के दिन भगवान की कृपा को पाने के लिए अपना प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कमल, शंख पुष्प और बेल पत्र अर्पित करने से आर्थिक तंगी या धन की कमी, उससे व्यक्ति को निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है, उसके घर की, उसके जीवन की दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अगर 100,000 की संख्या में इन पुष्पों को शिवजी भगवान के अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के सभी पुराने और नए पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में हर वो चीज होने लगती है जो कि उसकी मनोकामना होती है, यानी उसको इच्छा पूर्ति का भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव को बेल पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेल पत्र अर्पित करना चाहिए और बेल पत्र का चिकना भाग अंदर की तरफ यानी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप महाशिवरात्रि के दिन अगर शिव शंकर महादेव का पूजन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं या जला अभिषेक करने आप जाते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है उसका चिकना भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। ओके, तो उल्टा करके बेल पत्र को आपको भगवान के अर्पण करना है। ये एक सही तरीका होता है बेल पत्र को भगवान शिव के अर्पण करने का। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या आपके पास सामग्री होनी चाहिए, कैसे आपको बेल पत्र चढ़ाना है और महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब जानते हैं पूजन के शुभ मुहूर्त और पारण के समय को। ठीक है, महाशिवरात्रि के त्योहार पर भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में करने का विधान होता है। इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार को प्रातः 3:16 से प्रारंभ हो जाएगी और शिवरात्रि की तिथि दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि बुधवार 2 मार्च को प्रातः 10 समाप्त होगी। और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पहले पहर की पूजा होगी 1 मार्च की शाम को 6:21 से लेकर के रात के 9:27 तक। दूसरे प्रहर की जो पूजा है 1 मार्च की रात्रि 9:27 से रात्रि के 12:33 तक होगी और तीसरे पहर की पूजा 1 मार्च की रात 12:33 से सुबह 3:39 तक होगी। चौथे पहर की पूजा 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 तक होगी और पारण का समय रहेगा 2 मार्च सुबह 6:45 के बाद से इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। ये पारण का समय रहेगा। ओके दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी महाशिवरात्रि के व्रत से संबंधित जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रहेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।